दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग हैं शिमला में, जो छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मेन पार्ट में। जी हां दोस्तों, हम लोग आ जाए हैं मेन पार्ट में और यहां का जो मौसम है ना बिल्कुल औसम है। तो एक बार आप समय निकालिए और आके घूम करके जाइए, क्योंकि अभी जो सीन होने वाला है बहुत शानदार है। आगे मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग जैसे ही पहुंचे हैं वहां पूरा बादलों से घिरा हुआ है, बादल पूरा नीचे आ चुके हैं और आपको इतना मज़ा आने वाला है कि बिल्कुल इंजॉय करेंगे। अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो उनका दिल खुश हो जाने वाला है, घर वाले फैमिली है तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ जो अभी बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं ना, ये सीन देखने के लिए आप लोग शिमला जाते हैं या कश्मीर जाते हैं, वो पूरा यहाँ आया हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम को छोड़ करके अवॉइड कर करके आ सकते हैं तो बिल्कुल आइए, घूम करके जाइए, मेरी गारंटी है आपको पसंद आने वाली है। अभी हम लोग एक पॉइंट, जहाँ भी किसी भी पॉइंट में आप जा सकते हैं, जैसे टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, किसी पॉइंट में जाएंगे ना सेम सीन होने वाला है, वैसे ही इंटरटेन होने वाली है। लोग रास्ते पे रोक करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाहर से फ़ोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ, क्योंकि ये पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं होने वाला है, सिर्फ अभी मेन पार्ट में है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टॉप की तरफ, वैसे वैसे आपको घना बादल मिलने वाला है। बिल्कुल भी ये कोहरा नहीं है, आप इसमें भीगेंगे नहीं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ बादल नीचे आए हुए हैं और जगह जगह पे आपको ऐसे पूरा सीन दिखने वाला है। तो अगर आप हाल फिलहाल में यहाँ आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर पूरा वीडियो देखना है तो भी प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं जाके ब्लॉग कर सकूँ इसका। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोग इसके बाद में मेहता पॉइंट जा रहे हैं और मेहता पॉइंट से मैं आपको दिखा दूँ सीन ऐसा है पूरा, जो वहाँ पेड़ पौधे हैं सब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, थोड़े दूर में 10 मीटर के बाद से आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, इतना घना बादल है वहाँ। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो खाने पीने का भी इंतज़ाम, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है और बहुत सारे रिसॉर्ट है, वो भी आप अगर कहेंगे तो मैं अगला वीडियो मैं फुल कंप्लीट बना दूंगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।